मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। देखो लड़के अपनी क्रश को पटाने के लिए जोक सुनाते हैं या फूल भिजवाते हैं, लेकिन लेजेंड वो तो सीधा ससुर जी को मैच में बुलाते हैं और उनके सामने सेंचुरी लगाते हैं। देखो भाई बेस्ट फ्रेंड्स तो मेरे भी है, लेकिन इंडियन टीम जैसी दोस्ती नहीं है। माना मैच देखने सचिन सर आए और शुभमन गिल का डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन उनको इम्प्रेस करने के लिए अपनी इंडियन टीम के लड़कों ने अपना टोटल तो छोड़ो, शुभमन गिल जितने रन तक नहीं बनाने दिए न्यूजीलैंड को। हमारी पहले बैटिंग है, शुभमन देख के बैटिंग करना, बॉल स्विंग हो रही है और आज सचिन सर भी आए हैं मैच देखने। अरे भैया आप चिंता मत करो, बस बैट दो, अभी रिश्ता पक्का करके आता हूँ। लेकिन भाई जोक्स साइड, क्या खतरनाक परफॉर्मेंस था कल शुभमन गिल का। सारा और इंडिया फिर से गिल के प्यार में वापस पड़ गए। ए, क्या बोला तूने? सारा इंडिया फिर से गिल के प्यार में पड़ गया, तूने क्या सुना? बट भाई 168 रन की विक्ट्री, वो भी T20s में और वो भी सीरीज डिसाइडर में, ये सिर्फ अपनी इंडिया ही कर सकती है। लेकिन सैडली अभी तक ये सिर्फ बायलैटरल्स में ही होता है, और मुझे तो लगता है भाई हर बार ऐसे ही होता है, हम श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी टीम्स को बुलाते हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से हराते हैं कि फिर आने वाले बड़े ICC टूर्नामेंट्स और इंपॉर्टेंट मैच में वो टीम्स आती है बदले के मोटिव से और हमारे मजे लेके चली जाती है। अब किसी बड़ी और रिस्पेक्टेड टीम को तुम T20s में उतने मार्जिन से हराओगे जितने में लोग टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो वो अगले टूर्नामेंट में बदला लेने तो आएगी ना। लेकिन ठीक है भाई, इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी की विक्ट्री हम एंजॉय नहीं कर सकते और न्यूजीलैंड के थोड़े मजे नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ भी हो रहा 2023 की अपनी शुरुआत बहुत तगड़ी हुई है और 4 लगातार सीरीज जीत ली है अपनी टीम ने, और वो भी पूरे डोमिनेटिंग तरीके से। श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों को ODIs में 3-0 और T20s में 2-1 हरा के आए हैं। एंड भाई ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस देख के भी हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आता ही है कि आगे ICC टूर्नामेंट्स आएंगे तो उसमें भी इनको देख ही लेंगे। वैसे सैंटनर भाई आपको 2019 याद है क्या? नहीं। कोई नहीं यार, अभी याद करा देते हैं। भाई कुछ भी बोल लो तुम, ये 5-3 वाला बदला देख के थोड़ा दिल को सुकून तो मिलता है। हाँ वो अलग बात है कि ये बायलैटरल्स है और वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, बट कोई बात नहीं यार, इतनी खुशी तो अपने को लेने दो ना। यार बंदा भले ही T20s में 17 की एवरेज रखता हो, 2 मैचेस से लगातार फेल हो रहा हो और लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि इसको T20s में खिलाना भी चाहिए या नहीं, लेकिन जब अपनी क्रश के पिताजी देखने आए हैं तो परफॉर्मेंस तो अलग लेवल पे होगी ना। हाँ लेकिन कुछ लोग के अपने ससुर जी को इम्प्रेस करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। भाई बहुत मारेगा KL राहुल, मुझे बहुत मारेगा। भाई सिंगल लॉन्डो देख लो, ये सिर्फ मीम शेयर कर देने से, स्टोरी लाइक कर देने से कुछ नहीं होता। शेयर दे लो तो शुभमन गिल की तरह कॉन्फिडेंस रखो और सीधा ससुर जी के सामने परफॉर्म करो। लेकिन न्यूजीलैंड के इस पूरे टूर में शुभमन भाई की परफॉर्मेंस अकेले काफी तगड़ी रही है, पहले डबल सेंचुरी भी लगा दी और उसके बाद अब T20s में भी सेंचुरी। ये न्यूजीलैंड के बॉलर्स को लग रहा है अलग से शुभमन गिल से पिटने के लिए बुलाया था। वैसे परफॉर्मेंस तो इस मैच पे अपने कैप्टन की भी कम नहीं थी, बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, स्ट्राइक रेट भी तगड़ा था, लेकिन मेजर पॉइंट था बॉलिंग भाई। 4 विकेट्स निकाल ली और भाई फ्रंट से पूरी टीम के बॉलिंग अटैक को लीड करा ताकि हम लोग 66 पे उनको ऑल आउट कर पाए, इसीलिए मैन ऑफ द सीरीज भी जीत लिया। मतलब समझ रहे हो, फ्यूचर कैप्टनसी की टिकट कन्फर्म होती जा रही है। भाई राहुल त्रिपाठी ने भी एक बार फिर से सीरीज के लास्ट मैच में काफी अच्छा पोटेंशियल दिखाया ताकि अगली सीरीज के लिए बंदा फिर से सिलेक्ट हो जाए। लेकिन ये कोई जोक नहीं है भाई, ये बंदा एक्चुअली डिजर्व भी करता है अगली सीरीज के लिए सिलेक्ट होना, एंड आई एम श्योर होगा भी, क्योंकि कल बंदा जिस लेवल का क्रिकेट खेल रहा था और जिस टेंट से खेल रहा था, एक 50 तो डिजर्व करता था, एंड जब नहीं मिली तो आई थिंक हम सबको ही बुरा लगा। भाई जैसी शॉट्स खेलता ना राहुल त्रिपाठी, इन दोनों के बीच में किसी दिन अगर लंबी पार्टनरशिप हो गई उस दिन तो बॉलर्स की बाय बाय और फील्ड सेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। शेट्टी साहब को तो नहीं पता, लेकिन BCCI ने इस राहुल को चूज करने में थोड़ी लेट तो कर दिया है, लेकिन अब इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलती रही तो आगे इंडिया के लिए अच्छा ही करेगा। और सूर्या भाई आपको क्या लगता है, हमें समझ नहीं आ रहा पिछले मैच में एकदम पेशेंस वाली इनिंग्स और इस मैच में इतनी तगड़ी स्लिप कैचेस, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज के लिए आप ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है अपने को। वैसे इस मैच में सूर्या भाई की बैटिंग देख के भी खुशी मिली, क्योंकि इससे पहले दोनों मैचेस में कोच का हॉटस्पॉट यूज कर रहे थे, स्लो स्लो इनिंग्स खेल रहे थे, अब सीधा 5G सिम पे वापस आ गए और 24 रन बना दिए सीधा 12 बॉलों में। और जब से 200 बनी है ईशान किशन का तो सॉर्टेड चल रहा है, चाहे नॉर्मल मैच हो चाहे सीरीज डिसाइडर हो, ईशान भाई हमेशा की तरह आई एम आउट बोल के पहली साइड हो जाते हैं। मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, आई एम आउट। क्या पृथ्वी भाई आप सेंचुरी वेंचुरी लगाने में लगे हो, मैं तो कहता हूँ ग्लव्स पकड़ो विकेट कीपिंग सीखो, उसी से अब आपको एंट्री मिलेगी टीम में। गलत
तुम्हारी। अब भाई ये मैच तो तगड़ा था ही, लेकिन ये सीरीज भी बहुत तगड़ी थी। तो तुम लोग वन एक्स बेट को भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें इस समय क्रिकेट बेट्स पे 5% कैशबैक भी मिल रहा है। देखो, इस न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है सबका वन एक्स बेट पे। यानी अगर तुम बेट प्लेस करते हो और जीतते नहीं हो तो तुम्हें 5% कैशबैक अप टू 5000 तक का मिल सकता है वापस वन एक्स बेट से। मतलब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अपने प्लेयर्स के लिए, चेयर करने के लिए भी और साथ में प्रॉफिट भी बनाने के लिए। तो तुम भी अपने फेवरेट प्लेयर्स या टीम को सपोर्ट कर सकते हो इस कैशबैक बोनस से। भाई मैं तो पर्सनली अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट करते हूँ, लेकिन जैसे इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम लोग भी जिस टीम को सपोर्ट करते हो कमेंट्स बताना मुझे। और वन एक्स बेट अपने वन एक्स बेटर्स के बारे में काफी केयर करता है, इसीलिए तुम्हारे लिए इतनी तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। लेकिन हाँ भाई, ये हमेशा याद रखना कि तुम्हें खेलना है रिस्पॉन्सिबली। अब तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से प्रोमो पेज पे जाना है और टेक पार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो वन एक्स बेट्स न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया प्रोमो में। एंड इन मैचेस या इवेंट्स पे 100 rupees की बेट्स प्लेस करनी है विद ऑड्स 1-5। एंड ये लिंक और मेरा प्रोमो कोड वन एक्स पाहुल यूज करोगे तभी तुम्हें 5% कैशबैक भी मिलने वाला है। अब देखो, रिकॉर्ड मार्जिन से हराया तो बॉलिंग की तारीफ तो बनती है। हार्दिक भाई ने तो अपना काम किया ही, लेकिन साथ साथ तीनों यंगस्टर्स उमरान, मावी और अर्शदीप सब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। यार इतने इंपॉर्टेंट गेम में कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करना और रन लीक ना करना ही रीजन था कि ये जल्दी ऑल आउट कर पाए इनको। और चारों पेसर्स अपने बीच में पत्तों की तरह तो विकेट बांट रहे थे। एक तेरा, दो मेरा। जबकि वहाँ न्यूजीलैंड के बॉलर्स अपनी अपनी हाफ सेंचुरी बनाने में लगे हुए थे। ये टिकनर और फर्गसन की इकोनॉमी देख के न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच ने खुद ही रिजाइन कर दिया होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और सबने विकेट ली, अच्छा लगा, लेकिन अपने कुलदीप भाई विकेट लेस अच्छे ही नहीं लगते। अब भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के साथ बुरा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर इस मैच में उसको एक बॉलिंग या बैटिंग का चांस मिलता तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले दोनों T20s में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसके अलावा मुझे दो मेजर कंसर्न्स ये लगते हैं कि अगर रोहित और कोहली अगली सीरीज में वापस नहीं आते तो पृथ्वी शॉ या ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को ओपन करना चाहिए। अब उसके अलावा मुझे मिडल ऑर्डर में कंसर्न है कि दीपक हुडा की बैटिंग परफॉर्मेंस में हम कितना रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों सीरीज को मिला के एक ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी। तो आगे इस पोजीशन के लिए कोई अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन और चूज किया जा सकता है, जैसे जितेश शर्मा को वापस चांस मिले या केएस भरत को, क्योंकि एक कीपर की भी कमी है। ईशान किशन पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपनी टीम। क्या ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते, क्योंकि सीरीज जीत गए हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अब आने वाली है भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। माहौल गर्म होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया लैंड कर चुकी है। वैसे ऑस्ट्रेलिया वालों थोड़ा सा बच के, क्योंकि अपने कोहली भाई की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। ना, बैटिंग में तो चलती रहती है, लेकिन ये वाली प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिख देना। अगली वीडियो अवार्ड्स आ रही है, बता रहा हूं मैं तुम्हें, पहले से बता देता हूं, आ रही है भाई, टेंशन न लो। और याद से भाई लोग वन एक्स बेट को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें अभी तक पोलार्ड और ब्रावो वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है वो कर लो भाई, उनकी प्रेडिक्शन भी सही होगी। यहां पे तुम्हें कहीं पे मिल जाएगी वीडियो, वो चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।